मेंस्ट्रुअल लीव को लेकर एक और पेटीशन फाइल की गई है, जिसके बाद सवाल घूम फिर कर वहीं आ गया कि आखिर महिलाओं को यह अधिकार मिलेगा या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका फाइल की गई है, जिसमें मेंस्ट्रुअल लीव के मुद्दे को फिर से उठाया गया है और फिर वही डिबेट शुरू हो गई है कि आखिर इसका नतीजा क्या निकल सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली इस पिटीशन में क्या क्या लिखा है। इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक स्टडी को साइट किया गया है और कहा गया है कि महिला पीरियड्स के दौरान वही पेन महसूस करती है जो एक इंसान हार्ट अटैक के दौरान महसूस करता है। शैलेंद्र त्रिपाठी की इस पिटीशन में उन्होंने कहा है कि ये दर्द एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी और काम पर काफी इफेक्ट डालता है। यहाँ पर उन्होंने जोमैटो, बायजूस, स्विगी, एसेट्रा जैसे कंपनीज का एग्जाम्पल दिया, जहाँ एम्प्लॉयज को पेड मेंस्ट्रुअल लीव्स दी जाती हैं। जब इन्होंने ये रूल्स निकाले थे तो इन कंपनीज को काफी तारीफ मिली थी। तो सवाल वही है कि आखिर ये कर सकते हैं तो बाकी कंपनीज क्यों नहीं? अगर ये इस इशू को मेजर मान सकते हैं तो हमारी सरकार क्यों नहीं? इससे जुड़े मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल को 2017 में शशि थरूर ने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस भी किया था और अथॉरिटीज के थ्रू सैनिटरी पैड्स फ्री में अवेलेबल होने की बात कही गई थी। इस बिल को 2022 में भी पार्लियामेंट में उठाया गया था पर इसे एक अनक्लीन टॉपिक कहकर डिसमिस कर दिया था। ऐसा पहली बार नहीं है या फिर इंडिया की सरकार पहली ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने ऐसा कोई रूल निकाला होगा। दूसरे कई देशों की सरकारें ऐसे बिल इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, चाहे वो यूके हो, चाइना हो, जापान हो या फिर साउथ कोरिया हो। बस इंडिया का इस लिस्ट में ऐड होना अभी बाकी है। अब बस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है कि आखिर वो इस पिटीशन पर क्या फैसला करने वाली है। इससे जुड़ी और अपडेट्स के लिए धप्पा से जुड़े रहिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।